रहेगा? त्रिभुज है ये, त्रिभुज है। त्रिभुज में देखो तीन कोण दिए हुए हैं ना, तो ये त्रिभुज में से अगर हम एक कोण को काट के निकाल दें तो कितने कोण बचेंगे? चार, कोई दो और चार, पांच, पांच, चार, चार बचेंगे। कितने बचेंगे? चार। ऐसे यहाँ पे हम कट कर देंगे तो यहाँ पे एक कोड़े, कोड़े यहाँ पे, तो चार कोड़े बचेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। बच्चों ये क्या है? त्रिभुज है ना? यस मैम। अच्छा बताओ इस त्रिभुज में से हम क्या चीज घटाएं या क्या चीज कम कर दें कि चतुर्भुज बन जाए? बताओ इसमें क्या घटाएं या क्या कम कर दें कि चतुर्भुज का शेप ले ले, चतुर्भुज हो जाए? एक कोना काट दे। तीन कोना काटे, हम एक कोना काट के देखते हैं कितने चतुर्भुज। ये देखो एक कोना है, ये एक कोना को हमने काटा, ये देखो चतुर्भुज बन गया। ए इसमें चार भुजाएं हो गई, एक दो तीन चार हो गए, चतुर्भुज हो गया और कोण भी चार हो गए, है ना? तो हमने इसमें से एक कोण को काट दिया। बच्चों बताओ ये क्या है? वर्ग, वर्ग है ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्क्वायर। अब इसमें आपको एक सवाल है, एक पहेली है, दिमाग लगाना ठीक है, कि हमको इसमें से क्या चीज कम कर दे, क्या चीज घटा दे कि ये त्रिभुज बन जाएगा, सोच के बताना। ऐसे ऐसे क्या बताओ? अच्छा बिगड़, बिगड़ का ऐसे काट दे, है ना? तो ये सही बात है, ऐसे हम इसका आधा कर दे, मतलब हम ये भी कह सकते हैं दूसरी भाषा में कि हम इसको आधा काट दे तो ये क्या बन जाएगा? त्रिभुज। देखो त्रिभुज में तीन भुजाएं होती, बन गई त्रिभुज, हो गया। देखिए क्या कर रहे हो? ये तुमने ये काटा है वो शेखर का, ये तुमने काट के यहाँ पे चिपका रहे हो। ये तीनों कोड़ों को तुम रख दोगे यहाँ पे, है ना? ऐसे ऐसे चिपका दोगे तो ये कितने अंश का हो जाएगा? 180 अंश का। सभी लोग कर रहे हो ऐसा? अच्छा सभी का बन गया है, सभी ने अपने अपने ट्रायंगल को कट करके लगा दिया है, जिससे यह क्या सिद्ध हो जाता है कि त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग 180 अंश होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा।